So first things first, this video is sponsored by Zith Clothing. For more information, check the description. ये सुपर सॉफ्ट सुपर सेक्सी शॉर्ट्स जो आपने देखे अभी, ये अगर आप खरीदना चाहते हो तो अपने स्टोर पे मिल जाएंगे. द लिंक इज बिलो इन द डिस्क्रिप्शन. यस, Zith Clothing के स्टोर पे मिल जाएंगे. और वहां पे और कुछ जॉगर्स और कई सारे एक्सक्लूसिव टी शर्ट्स हैं. तो देखते रहिए अपना स्टोर, कुछ ना कुछ आते ही रहता है. द 2691 डॉलर वीडियो, मतलब ये 2691 डॉलर्स आए कहां से? और इस वीडियो का टाइटल ऐसा क्यों है, चलो बताता हूँ. अभी कुछ दिन मैंने ब्रेक लिया था, मतलब आई जस्ट रिमूव द फुट ऑफ द एक्सेलरेटर, थोड़ा स्लो जाने दे रहा था गाड़ी को, क्योंकि सारी चीजें फिगर आउट करनी होती है. द लीगैलिटीज, लीगल फॉर्मेलिटीज, टैक्सेस, एडवांस टैक्स, जीएसटी, देयर आर दीज टी शर्ट्स का थिंग, सो मच हैपनिंग. अ क्रिएटर नीड्स हिज क्रिएटिव फ्रीडम एंड कम्फर्ट, तभी जाके मस्त चीजें आती है आप लोगों तक. सो व्हाइल आई वाज चेकिंग द बुक्स एंड गोइंग थ्रू ऑल द स्टफ दैट वी हैव क्रिएटेड ओवर द इयर्स, आई केम अक्रॉस अ वीडियो which has received 8 million views. Yeah, 8 million views. मतलब हमारे main channel पे अगर आप जाओ तो जो most viewed video है, it is that video, the dishwasher video. 2 minutes. See, if you go on my channel, Your Indian Consumer, इस पे अगर आप यहाँ पे देखो popular uploads में, तो ये जो वीडियो है उसका व्यूज देखो, 8 million व्यूज. अगर आप गौर से देखो तो पांचवा मोस्ट व्यूड वीडियो जो है वो भी डिशवॉशर के बारे में ही है. इट हैज 2.5 million व्यूज. व्हाट इज इट पंजाब? ऐसे सब अलग अलग चीजें आती रहती है, बहुत चीजें आती है. सारी मैं वीडियोस में बताता नहीं हूँ, जो दर्जा फाटाफाटी होता है वही आपको दिखता है, जैसे ये. ठीक है, बस दैट वाज द लास्ट प्लग. इसके आगे प्लग नहीं मारूंगा. अपना वीडियो स्पॉन्सर्ड है विजिट क्लोथिंग से, तो देखो ना. Now the irony of this whole. Now the best part about this 8 million view video is I was not going to make it. You know why? Let me show you why. Now I'm going to take you to the entire process जो मैंने किया था 2 साल पहले, August 2016 में. Siemens contacted me. They wanted me to review this dishwasher. मैंने क्या किया? मैं YouTube पे गया. And I searched कि dishwasher का video है या नहीं है. There was only one video जिसको है ना कुछ 10,000-15,000 views थे. So for me it was really challenging to review this product. And being a mechanical engineer, I knew the technicalities about it, about the entire machine. I knew it. तो मैंने क्या सोचा, एक नया equipment भी अपने को use करने को मिल जाएगा और ऊपर से पैसे भी दे रहे हैं. अभी पैसे बहुत कम दे रहे थे, कुछ हद से ज़्यादा कम दे रहे थे. तो वो negotiation भी चालू था, मतलब literally बोलो ना 4,000-5,000 के लिए वो negotiate हो रहा था. तो मुझे नहीं अच्छा लगता ऐसे करने को, फिर भी आई वॉज डूइंग इट बिकॉज आई वॉन्टेड टू सी दिस मशीन. अभी जब उन्होंने मशीन घर पे भेजी, पहला प्रॉब्लम ये पीछे दिख रहा है, ये नहीं ये पीछे, ये दिखाता हूँ. अब ये जो दरवाजा है इसमें से मशीन अंदर ले जानी थी, और ये वाला जो दरवाजा है, हालांकि ये बड़ा है, बट देर आर सम थिंग्स इनसाइड विच कैनॉट बी मूव. तो सीन क्या हुआ, हम लोग ने सोचा यहाँ से ही ले जाते हैं, बट ये जो एज दिख रही है आपको, इसके वजह से ये 1.5 सेंटीमीटर अंदर आ जाता है. एंड द मशीन वॉज एग्जैक्टली स्टक इन बिटवीन. मुझे लगा था चला जाएगा बट वो अटक गया. तो फिर वो ऊपर उठा करके ले जाना पड़ा अंदर, पर जब ऊपर उठाया तब देखा ये है यहाँ पे. तो ये लूज भी हो गया था वो टाइम पे, वो बाद में फिक्स किया. पर फिर यहाँ से हम लोग अंदर लेके गए. अभी अंदर अगर आप आ जाओ तो यहाँ पे हमारी वॉशिंग मशीन रहती है. इसे मैं अंदर नहीं डाल सकता क्योंकि ऑलरेडी बाथरूम बहुत छोटा है, और ये एरिया इतना ही है, मतलब यहाँ पे ही बेड है, यहाँ पे ही सब चीज़ है, यहाँ पे ही ये स्टैंड है. और स्टैंड हटा करके ये जो है ये खोल के दीपिका अपना पूरा सेटअप यहाँ पे लगाती है. तो अब बड़ा सवाल ये था कि अगर यहाँ पे डिशवॉशर आएगा तो मैं इसे डालूंगा कहाँ पे, ये मशीन कहाँ पे जाएगी. तो ये मशीन कुछ दिन के लिए यहाँ पे सरकानी पड़ी, उसके वजह से दीपिका कुड नॉट ऑपरेट. तो दीपिका ने क्या कर लिया, इसके ऊपर ही अपना पूरा सेटअप बना लिया ना, बिकॉज वी डिड नॉट हैव अ चॉइस. वो मशीन यहाँ पे बराबर से सेट हो गई. ये नल भी हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ा था वो टाइम पे, ये सारी चीजें चेंज करनी पड़ी थी. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मुझे ये सारी अरेंजमेंट्स नहीं करनी थी, राइट? मतलब इतना मगजमारी करके कोई क्यों एक नया प्रोडक्ट लेगा घर में जो कि 30 दिनों बाद रिटर्न करना है. अभी सीन क्या हुआ, पहला वीडियो अगर आप देखो ना उसमें व्हाइट कलर का पूरा मशीन है, तो उसका मैंने मस्त में 2 हफ्ते इस्तेमाल करके एक प्रॉपर रिव्यू लिखा और बाद में उसका वीडियो बना के प्रेजेंट किया. एंड दैट वीडियो गॉट अप्रूव्ड, मैंने डाल भी दिया. उसके बाद सिमेंस अगेन कॉन्टेक्टेड मी एंड दे वर लाइक, वो जो मशीन का वीडियो बना ना वो मशीन अभी स्टॉक में ही नहीं है, वो हम लोग ने डिसकंटिन्यू कर दिया है और एक नया मॉडल आया है तो उसको प्रमोट करने के. एंड दे वर एब्सोल्युटली फाइन, अगर मैं पुराना वाला वीडियो डिलीट भी कर डालू या नहीं भी डालू, दे वर फाइन विद दैट. एंड आई वाज लाइक, मैंने कितनी मेहनत ली है यार, 2 हफ्ते गए मेरे उसमें. और मेरा ये पहले से है कि मैं प्रोडक्ट ना पूरा इन एंड आउट चेक करता हूँ, तो मुझे वो 2 हफ्ते डालने पड़े. अब जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है 1 हफ्ता तो मिनिमम इस्तेमाल करता हूँ मैं. तो फिर मैंने उनको बोला ठीक है चलो नई मशीन भी भेजो और पुरानी ले जाओ.
तो ये आवन जावन जो था ना पूरा, मेरा घर तहस नहस हो रहा था. एंड इफ यू गाइस हैव नोटिस्ड, वॉशिंग मशीन जुड़ी है एक पाइप से जो कि कनेक्टेड है वहाँ पे नलके पे, तो हमारा वॉशिंग मशीन भी बंद ही था. तो वॉशिंग मशीन हमारा बंद था करीब करीब एक महीना, जस्ट बिकॉज आई वॉन्टेड टू रिव्यू अ प्रोडक्ट. तो चलो छोड़ो, दूसरी मशीन आ गई घर पे जो सिल्वर कलर की है और उसी वीडियो को 8 मिलियन व्यूज है. तो आई डिड द एंटायर रिव्यू और फिर मैंने सिमंस को बताया कि तुम्हारी मशीन में ये बुराइयां हैं और ये अच्छाइयां हैं. कुछ हद तक वो बुराइयां एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो मैंने बोला घर पे आ जाओ मिलके बर्तन धोएंगे. और फिर जो सिमंस में एकदम सीनियर पोजीशन पे थे वो सारे लोग घर पे आए, तो मस्त में दिखाया कि आपके मशीन में कैसे बर्तन धुलते हैं, सारी चीजें उनके सामने हुई. एंड देन दे एक्सेप्टेड कि व्हाटएवर प्रसाद इज सेइंग इज ट्रू. और फिर मैंने वीडियो बनाया, वीडियो अप्रूव हो गया, कुछ नहीं बोले वो. मैंने उसमें नेगेटिव चीजें भी बोली हैं, अच्छे से देखो वो वीडियो. एंड देन व्हाट हैपेंड, आई स्टार्टेड लाइकिंग दैट मशीन, आई वांटेड टू कीप इट. आज मॉम नहीं है घर पे, नहीं तो आपको बताता था कि कितना महाभारत हुआ था. क्योंकि कोई एक ही मशीन हम घर में रख सकते हैं, या तो वॉशिंग मशीन या तो डिश वॉशर. एंड आई फील वॉशिंग मशीन इज अ नेसेसिटी राइट नाउ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसीलिए दैट टाइम दिल पे पत्थर रख के सिमंस को बोलना पड़ा कि यार लेके जाओ आपकी मशीन. वैसे शायद वो रखने भी नहीं देते क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, तो पर फिर भी मैं कन्विंस कर लेता, उतनी जिद है. सो यार दैट वाज अ लिटिल बैकग्राउंड ऑन व्हाट इट टेक्स टू रिव्यू सच अ डिफिकल्ट प्रोडक्ट. अभी आप मुझे पूछोगे यार पर वो डॉलर्स कहां से है, डिड सिमंस पे यू दोज मेनी डॉलर्स टू रिव्यू दैट मशीन? नो, एट दैट टाइम आई वाज अ रियली स्मॉल चैनल, मेन चैनल अपना बहुत छोटा था, 2 साल पहले जाके देख लो. तो ऐसा भी नहीं था दैट आई हैड नंबर्स टू फ्लेक्स, राइट? या इन्फ्लुएंस ऑफ वर्ल्ड नंबर्स अबाउट यू फ्लेक्स. Not this, just numbers. Now if you ask me, was reviewing those two machines worth it? It was completely worth it. मुझे एक completely नया product review करने को मिला जो शायद मैं कभी खरीदू भी ना, क्योंकि as many people have commented on that video कि हम लोग तो हाथ से धो लेंगे, हाथ से धोना better होता है, काम वाली बाई रख लेंगे, 50,000 में तो साल का बर्तन धोएगी वो. ऐसे सब कमेंट्स हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ ये, ऐसे सब कमेंट्स उस वीडियो पे हैं. अगर आपको देखना अपना ऑडियंस कैसा है तो उस वीडियो पे जाके जो कमेंट्स है वो पढ़ो. You will get an insight into the psychology of the Indian audience. और मैं सिर्फ इंडियन बोल रहा हूँ क्योंकि इंटरनेशनल ऑडियंस जो है वो बहुत ही ज्यादा सेंसिबल है. एंड येस आई मेड दैट वीडियो टारगेटिंग द इंटरनेशनल ऑडियंस, आई जस्ट वॉन्टेड टू शो वॉट एन इंडियन कैन डू, एंड दैट इज द मेन रीजन आई मेड दैट वीडियो इन इंग्लिश, आई वॉन्टेड टू केटर मोर ऑडियंस. या दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. और ये लगा गया स्क्रीन पे शीम्बूट लाग लगा. Now comes the fun part. Let's talk numbers, okay? 8 million views, 27,000 likes, 8,700 dislikes. I don't know what's there to dislike in that video. Seriously speaking, as a reviewer, if you're disliking my opinion, it completely does not make sense. क्योंकि मैंने pros भी बताया, मैंने cons भी बताया. But no guys, the dislikes are not for my opinion. You know why the dislikes are there? आप comments में जाओ ना, आपको पता चलेगा. There are primarily 3 types of people who are disliking this particular video. First ones are like, भाई तू हिंदी है तो English कह को जाट रहा है, हिंदी नहीं आता है क्या तेरे को, हिंदी में बात कर. Alright, I ignore them. Second type, जो बोल रहा है कि तू पानी बहुत ज्यादा वेस्ट कर रहा है. तो इन द वीडियो इटसेल्फ आई हैव सेड कि पानी उल्टा सेव होता है इससे, तो प्रॉब्ली वो लोग हैं जो भगा भगा के वीडियो देखते हैं और पूरा नहीं देखता. आई कांट हेल्प इट, यू गाइस नीड पेशेंस. और तीसरे टाइप के जो लोग हैं ये खास है, ये स्पेशल है, ये काम वाली बाई से बहुत प्यार करते हैं. आई मीन यस, आप कमेंट्स देखो, दे बिलीव दैट काम वाली बाई रखना इज एनी डे बेटर देन स्पेंडिंग योर हार्ड अर्न्ड मनी ऑन अ मशीन. इन फ्यूचर सब लोग के पास मशीन रहने वाला है, सो डोंट वरी, मेरा ये वीडियो ऐसे ही चलने वाला है. लेट्स टॉक सम मोर नंबर्स. अभी मैं वो तिलिस्मी गुफा आपके सामने खोलने वाला हूँ जो कोई नहीं खोलता. लेट्स गो इन टू द यूट्यूब स्टूडियो. एस्टिमेटेड रेवेन्यू आप महीने का देख सकते हो, मतलब $450 तो मैं महीने की इस अकेले वीडियो से कमा रहा हूँ. व्यूज आपके सामने हैं, वॉच टाइम आपके सामने हैं, मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है इसके ओवरऑल व्यूज और ओवरऑल मैं कितना रेवेन्यू इससे जनरेट कर पा रहा हूँ उसमें. तो पहले तो सबसे पहले रेवेन्यू देखते हैं, माल कितना छापा है हमने इस एक पर्टिकुलर वीडियो से. एंड दिस इज हाउ मच आई अर्न्ड लाइफ टाइम में इस वीडियो से, $2,691. 2,691 को अगर आप कन्वर्ट कर ले इंडियन करेंसी में, इंडियन रुपीज में, तो हो जाता है 1,90,000 रुपए. अनदर इंटरेस्टिंग पार्ट इज ये जो वीडियो है इसको दिन में 15,000 व्यूज मिल रहे हैं, कंसिस्टेंटली 15,000 व्यूज डेली के कमा रहा है ये वीडियो. एंड दैट टू फ्रॉम ऑल ओवर द ग्लोब बिकॉज दिस वीडियो इज इन इंग्लिश. और इंडिया में यूट्यूब का रेवेन्यू बहुत कम है बट इंटरनेशनल रेवेन्यू बहुत ज्यादा है. या ट्रू स्टोरी, ऑल दैट आई वॉन्टेड टू शो यू थ्रू दिस वीडियो, द मैसेज आई वॉन्ट टू गिव यू इज देयर आर ओनली डिसीजंस, व्हाटएवर यू डिसाइड टू डू टुडे will determine your tomorrow. See, I've just broken down one project which I'd done 2 years back. ऐसे में हर एक मेरा project आपके सामने तोड़ के रख सकता हूँ, but ये एक जो project है ये बहुत important है क्योंकि यहाँ पे
मेरे पास कई सारी डिसीजंस थी जिसमें मैं गलत जा सकता था, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट मोस्ट डिसीजन कि मुझे ये वीडियो करना ही नहीं है, बिकॉज इट वॉज अ हेडेक फॉर माई हाउस होल्ड. एक महीना बहुत तकलीफ झेली है मॉम ने, दीपिका ने. देन द सेकंड डिसीजन ऑफ नॉट मेकिंग द वीडियो इन हिंदी, अगेन इंपॉर्टेंट डिसीजन. थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन, सेइंग व्हाट आई वांटेड टू से एंड नॉट सेइंग व्हाट वाज कन्वीनियंट. आई होप यू गेट दैट. इट वॉज डिफिकल्ट बट दैट इज हाउ आई वर्क. And in return, what did we manage to achieve? I backed in a beautiful video which till date is helping people to understand how this machine works. I backed in some video production fee, kaching kaching. Along with that, this video is still cashing in money for me. और मरने तक शायद ये करते रहेगा, क्योंकि अभी तक मुझे आजू बाजू में कहीं dishwashers दिखते नहीं है. तो जब भी dishwashers की बारी आएगी, मेरे video पे public आएगा. I also faced a lot of criticism, specially for these dishwasher वाला videos, starting with the thumbnail. कि तूने thumbnail में दीपिका को क्यों रखा है? I don't even think about all those things anymore. But I'm telling you these things because they need to be addressed. That is how the people are. और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, सबसे बड़ा रोग क्या सोचेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग. I am glad I'm out of that रोग. So yeah, I know even this video is going to face criticism, but I just don't care anymore. अब लोगों को समझ में आ रहा है, मैं जो नॉलेज दे रहा हूँ ना, वो जिनको लेना है वो ले करके अपना खुद का एम्पायर बना रहे हैं. Already they are working on it. और बाकी अगर आप सिर्फ ऐसे ही क्रिटिसाइज करते बैठ रहे हो ना, तो सीख नहीं पाओगे कभी. ठीक है, on that note, you guys can go chase your dream. Make every second count. Have an awesome day. You, I see you. Why that accent? वो ऐसे क्यों बात किया मैंने? I am weird. I know people out there will argue and say that domestic help will be much cheaper, but we as humans need to understand that human beings use their intelligence in order to simplify human life. And yes, people who provide domestic help are human beings too.